एक बर्तन में कुछ मात्रा में दूध भरे हैं। एक ग्वाला 200 ml पानी प्रत्येक 1 लीटर दूध के लिए जो बर्तन में रखा है मिलाता है। 6 लीटर मिश्रण बर्तन से बेचकर 10 लीटर दूध बचे हुए मिश्रण में मिलाता है। यदि अब दूध और पानी का अनुपात 25:3 है तो प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी? नमस्कार, मैं मनीष, स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट विथ मनीष और मैं यहां पे आपके लिए लेकर आया हूं इनका एक ट्रिकी प्रश्न जो कि आपको विद इन सेकेंड करने होते हैं, उसको अपन यहां पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक बर्तन में कुछ मात्रा में दूध भरे हैं, हमें पता नहीं है कि कितना मात्रा है, यानी कि कुछ होगा, ठीक है। एक ग्वाला 200 ml पानी प्रत्येक 1 लीटर दूध के लिए उसमें मिलाता है, यानी कि जो भी उसमें मात्रा होगा दूध का, प्रत्येक 1 लीटर के लिए वो 200 ml पानी डाल देता है, ठीक है। सपोज 10 लीटर होगा तो 10 लीटर होगा तो 10 बार 2 200 ml वो डाल देगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रत्येक 1 लीटर के लिए 200 ml वो पानी डाल देता है। अब जो मिक्सचर बन गया, पहले तो सिर्फ दूध था, पानी मिलाया 200 ml प्रत्येक 1 लीटर के लिए, तो मिक्सचर बना। तो मिक्सचर में से 6 लीटर मिश्रण बर्तन से बेच देता है, यानी कि मिश्रण जो बना, ठीक है, उसमें से 6 लीटर निकाला और बेच दिया। 10 लीटर दूध बचे हुए मिश्रण में मिलाता है, यानी कि जो मिश्रण बना था उसमें से 6 लीटर निकाल के बेच दिया और प्योर 10 लीटर दूध उसमें मिला दिया, ठीक है। जब प्योर 10 लीटर दूध मिला दिया तो जो अनुपात बनेगा, यानी कि अब अनुपात बनेगा, वो दूध और पानी का अनुपात क्या बन रहा है? 25:3 बन रहा है। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी, ठीक है, प्रारंभ में हमारी दूध की मात्रा क्या थी? तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए एक ग्वाला क्या कह रहा है, 200 ml प्रत्येक 1 लीटर के लिए वो पानी मिलाता है, यानी कि 1 लीटर यानी कि 1000 ml, 1000 ml दूध होगा यानी कि मिल्क होगा, तो कितना हो जाएगा वाटर? 200 ml वाटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर रेशियो की बात करें तो 5:1, यानी कि अगर 6 यूनिट कोई मिक्सचर है उसमें 5 यूनिट क्या होगा? मिल्क होगा, 1 यूनिट वाटर होगा, ठीक है। तो सपोज शुरू में हमारा 5x मिल्क होगा, ठीक है। जब 5x मिल्क होगा तो मिक्सचर बनाएंगे तो कितना वाटर होगा? एक्स वाटर होगा, यानी कि अगर ये मिल्क है तो मिक्सचर में वाटर कितना होगा? एक्स लीटर होगा, ठीक है। एक्स लीटर हमारा क्या होगा? ये होगा वाटर। टोटल मिक्सचर क्या हो गया? 6x हो गया, यानी कि 5x + x 6x। अब क्या कह रहा है कि 6 लीटर मिश्रण बर्तन से निकाल दिया, 6 लीटर मिश्रण बर्तन से निकाल दिया, हमारे पास कितना है? 6x लीटर है टोटल मिश्रण, ठीक है। उसमें से 6 लीटर निकाल दिया, यानी कि इसमें दूध कितना निकला? इसमें से दूध कितना निकला? तो 6 लीटर टोटल है, दूध का रेशियो क्या है? 5x / 6x, यानी कि एक्स से एक्स कैंसिल, यानी कि 6, यानी कि 5 लीटर, ठीक है। 5 लीटर क्या निकला? इसमें से दूध निकला। तो जब 6 लीटर मिश्रण निकाले तो 5 लीटर हमारा दूध निकला, तो 1 लीटर क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा, 1 लीटर वाटर निकलेगा, ठीक है। जब हम 6 लीटर निकालें तो उसमें से 5 लीटर क्या निकल गया? दूध निकल गया, और 1 लीटर क्या निकल गया? वाटर निकल गया। तो अब फिर क्या कह रहा है कि 10 लीटर दूध और मिला दिया, यानी कि जो मिश्रण बचा उसमें 10 लीटर दूध और मिला दिया। तो 5 लीटर तो हमारा दूध निकल गया और 10 लीटर हमारा क्या है कि डाल दिया गया। तो पहले क्या था? 5x लीटर, यानी कि 5x लीटर पहले था। अब क्या है कि 5 लीटर निकल गया दूध, लेकिन फिर से कितना? 10 लीटर डाल दिया गया, ठीक है। और वाटर कितना निकला? वाटर 1 लीटर निकला, यानी कि पहले कितना था? 1 लीटर, यानी कि वाटर 1 लीटर था, 1 लीटर निकल गया, ठीक है। अब इसका रेशियो क्या दिया है? इसका रेशियो दिया है 25:3 दिया है, ठीक है। इसका रेशियो 25:3 दिया है। अब देखिए इसको क्या करें, सॉल्व करेंगे तो 5 + 5x - 1, ठीक है, = 25/3, यानी कि 15 + 15 = 25 - 25, ठीक है। देखिए अब इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है, 15x को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10x = ठीक है, 10x = क्या हो जाएगा? 40, ठीक है, 10x = 40, यानी कि x = 4, ठीक है, x = 4। और शुरू में हमारा माना क्या गया है कि 5x मिल्क है, यानी कि अगर इसको x से मल्टीप्लाई कर दे तो 5 × 4 = 20 लीटर मिल्क होगा शुरू में, ठीक है। यही पूछ रहा है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी। तो
20 लीटर, ठीक है। कैसे किए, ये रेशियो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न में दिया है कि प्रत्येक एक लीटर के लिए 200 ml मिलाता है, ठीक है। तो अगर एक लीटर मिल्क होगा तो 200 ml क्या होगा, उसमें वाटर होगा, यानी कि 5:1 के जो अनुपात होगा उसमें मिक्सचर होगा, ठीक है। तो अगर हम मिल्क मान लिए 5x, तो कितना होगा वाटर, उसमें x होगा, तो टोटल मिक्सचर कितना है, 6x, ठीक है। इसमें से कह रहा है अगर 6 लीटर हम निकालते हैं, तो 6 लीटर निकालते हैं तो हमें से दूध कितना निकल जाएगा, 6 लीटर अगर मिक्सचर निकालते हैं तो दूध कितना निकल जाएगा, 5:6, तो 6 लीटर अगर निकालें तो इसमें हमारा 5 लीटर मिल्क निकल जाएगा, ठीक है। अगर हम 6 लीटर मिक्सचर निकालते हैं तो कितना वाटर निकलेगा, तो 6 × 1/6, यानी कि 1 लीटर क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। यानी कि जो पहले मिल्क था 5x, उसमें से 5 निकल गया 5 लीटर, लेकिन हम ऐड कर दिए 10 लीटर, 1 लीटर जो वाटर था उसमें से 1 लीटर निकल गया, 1 लीटर निकल गया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं ऐड करें तो इसको छोड़ दिए, और ये रेशियो कितना दिया है, 25:3 के। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, मिल्क का क्वांटिटी क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को करेंगे, आप मैन्युअली इसको ट्रैक करेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ ट्रिक लग रहा है, कोई ट्रिक नहीं है, आपको एग्जाम में ट्रिक काम नहीं करेगा। तो ठीक है, अगले लेक्चर में फिर से एक नए कंसेप्ट के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए।